और ये एक बेहद अहम खबर है इस वक्त की। अफगानिस्तान में गवर्नर की हत्या हो गई है, सीसीटीवी वीडियो भी इसका सामने आया है। इस वीडियो में एक आत्मघाती हमलावर बल्क प्रांत में गवर्नर के दफ्तर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी ने खुद को बम से उड़ाकर बल्क प्रांत के गवर्नर मोहम्मद दाऊद मजुमिल की हत्या की थी। इस हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस यानी ISKP ने ली है। ओपी तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। ओपी, अब जो ये जिम्मेदारी ली गई है, वीडियो सबने देखा, और क्या जानकारी इसको लेकर की मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ISKP के बड़े कमांडर का कार्यकारी की हत्या पिछले दिनों तालिबान ने कर दी थी। पिछले हफ्ता ये हत्या की गई थी। अब तालिबान का दावा था कि उन्हें मुठभेड़ में मारा गया है, और इसके बाद एक वीडियो भी तालिबान इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद ISKP ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि वो इस हत्या का बदला लेगा, और उसके एक सप्ताह के अंदर उसने आत्मघाती हमलावर के जरिए गवर्नर को उड़वा दिया। मैं आपको बता दूं, गवर्नर दाऊद जो है ये युद्ध कौशल रणनीति के निपुण माने जाते थे, और ISKP के खिलाफ जितने भी बड़े ऑपरेशन हुए हैं उन सभी में इनका महत्वपूर्ण रोल था, लिहाजा ये ISKP के निशाने पर थे। और ISKP की ये भी धमकी है कि आने वाले दिनों में तालिबान के तमाम बड़े नेता और ब्यूरोक्रेट उसके निशाने पर हैं, यानी आने वाले दिनों में ISKP कुछ और बड़े हमले भी कर सकता है। बड़ी हैरानी की बात है ओपी जी, कि किस तरीके से पहले हम धमकी दी गई और एक हफ्ते बाद में आत्मघाती हमला भी कर देगा। बहरहाल, इस हमले को ISKP का तालिबान को जवाब माना जा रहा है। दरअसल तालिबान जनरल इंटेलिजेंस में पिछले हफ्ते ही वीडियो जारी किया था, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से ISKP के बड़े कमांडर कारी फतेह को नंगरहार इलाके में उनके साथियों सहित ही मार दिया गया। कारी फतेह ISKP के लिए रणनीति बनाता था, और चीनी होटल और दूतावासों पर हुए हमले के पीछे भी उसी का दिमाग बताया जाता था। कारी फतेह की मौत के फौरन बाद ISKP ने तालिबान को इसका अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। रेलवे, अर्थव्यवस्था ट्रैक पर है, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाय की या नाई की दुकान, पार्क का बेंच या डिनर टेबल, कुछ नहीं पता। यहाँ बहस कहीं भी छिड़ जाती है, लेकिन नतीजे तक पहुँचती है सिर्फ देश के उस मंच पर जहाँ सबसे बड़ी हस्तियाँ रखती हैं अपना नजरिया। न्यूज 18 चौपाल चलता रहा है न्यूज 18 इंडिया पर। 10 कदम टूर्नामेंट आज से दिल्ली में शुरू। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया 10 कदम लॉन्च किया। अप्रैल में हो सकते हैं यूपी नगर निकाय के चुनाव। ओबीसी आयोग ने सीएम को सौंपी आरक्षण सर्वे की रिपोर्ट। आज योगी कैबिनेट की बैठक में लग सकती है इस बात पर मोहर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हादसे में घायल लड़के को देखने अस्पताल पहुंचे, उसका हालचाल जाना। दिग्विजय की कार से टकराया था मोटरसाइकिल सवार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान कर दिया। कहा कि अगले साल की होली तक भारत हिंदू राष्ट्र के तौर पर मनाएगा।